मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ फेसबुक पर अपनी टिप्पणी करने वाले युवक को प्रतापनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला परिषद में 50% आरक्षण से अधिक होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यहां की 16 ओबीसी सीटों को रिक्त घोषित कर 15 दिनों में दोबारा चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का आदेश राज्य चुनाव आयोग को दिया है। नियमों का उल्लंघन कर प्रॉपर्टी टैक्स में घालमेल करने वाले महानगर पालिका कर्मचारी समेत 3 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। MIDC के अंतर्गत सौंदर्य प्रसाधन की विश्व स्तरीय आपूर्ति करने वाली वीको लेबोरेटरी कंपनी में रविवार की रात 11 बजे अचानक आग लग गई। 24 घंटे के भीतर 1276 नए पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही अब तक जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 1,59,005 हो गई है। जंगल में पटरी पार कर रहे 1 साल के एक टाइगर की मौत मालगाड़ी की चपेट में आने से हो गई। यह हादसा गोंदिया के वन क्षेत्र अंतर्गत हेराड डामरी रेलवे स्टेशन के बीच फॉरेस्ट एरिया से गुजरने वाले ट्रैक पर हुआ। गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए अपराधी के पास से तलवार जब्त की गई। जांच में पता चला कि शहर के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ करीब 11 मामले दर्ज है। बजाज नगर थाना अंतर्गत अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर अपने सहकर्मी के साथ बार बार दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी अमरदीप कृष्णाजी मंडपे बताया गया। न्यू कामठी थाना सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नेरी ग्राम में पॉल भट्टा परिसर में न्यू कामठी पुलिस थाने की टीम ने शनिवार को रात 10:30 बजे के दरमियान छापा मारकर बिना लाइसेंस के 45 लीटर मोहफूल की हाथ भट्टी की शराब ले जाते एक आरोपी को पकड़ा। सोमवार को अलग अलग जोन में कार्रवाई कर दस्ते ने कुल 238 अतिक्रमणों का सफाया किया। साथ ही बार बार चेतावनी देने वाले बावजूद अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से 5,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल कर लिया।